हाय, वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। तो चलो आज हम शुरू करेंगे पैरेलेक्स मेथड। ओके, सो एज यू ऑल नो दैट मेजरमेंट ऑफ लेंथ। ओके, हमने मेजरमेंट ऑफ लेंथ ये टॉपिक पढ़ा था और उसमें हमने क्या देखा था कि जो छोटी से छोटी लेंथ है वो मेजर करने के लिए हम लोग एक सिंपल स्केल से या मीटर टेप से वो मेजर कर सकते हैं। लेकिन क्या हो अगर हमें बहुत बड़ी लेंथ मेजर करनी है या बहुत बड़ा डिस्टेंस मेजर करना है। फॉर एग्जाम्पल, अगर सपोज हमें अर्थ से सन तक का डिस्टेंस मेजर करना है, ओके, तो वो कितना आएगा? ओके, या तो हमें अर्थ से किसी दूसरे स्टार का या दूसरे प्लैनेट का डिस्टेंस मेजर करना है तो किस तरह से मेजर करेंगे? ओके, तो अब ऐसा तो नहीं करेंगे कि एक बड़ा सा टेप लेंगे, एक बंदे को पकड़ेंगे, उसके हाथ में एक टेप का एंड दे देंगे और दूसरा बंदा लेके सन की तरफ चला जाएगा। ओके, या मून के ऊपर चला जाएगा डिस्टेंस नापने को। इस तरह से तो नहीं कर सकते। ओके, तो उसके लिए एक इनडायरेक्ट मेथड इस्तेमाल होती है जिसे कहते हैं पैरेलेक्स मेथड। अब पैरेलेक्स मेथड है क्या? एक्चुअल में इस पैरेलेक्स वर्ड का मतलब क्या है? अब देखो, अगर हम किसी भी चीज़ को देखते हैं, फॉर एग्जांपल सपोज मैंने पेन ले लिया और मैं इस पेन को देख रहा हूँ। ओके, अगर मैं इस पेन को देख रहा हूँ इस तरह से, तो क्या होगा कि मुझे और एक मैंने इस पेन के एग्जैक्ट पीछे एक डॉट बना लिया। इस तरह से इस पेन को पकड़ के देखा, ओके, कि जिस तरह से मुझे ऐसा लग रहा है कि ये डॉट एग्जैक्ट पेन के पीछे है। ओके, अब मतलब पेन से ये डॉट ढक जा रहा है। ओके, इस तरह से देखा मैंने। फिर मैं इस पेन को, इस डॉट को एक आग बंद करके देखने की कोशिश करूँगा। ओके, फिर दूसरी आग बंद करके देखने की कोशिश करूँगा तो मुझे दो पॉइंट्स मिलेंगे, मुझे दो अलग अलग पॉइंट्स मिलेंगे। सपोज यहाँ वाला एक और इधर वाला एक और या इधर वाला एक। अब ये दोनों पॉइंट क्या करेंगे इस डॉट को देखने की? मेरी एक लाइन ये थी, ओके, और इस लाइन से इस तरह से देखे जा रहे हैं। इसको कहते हैं पैरेलेक्स। अब ऐसा क्यों होता है? हमारी एक आंख का विजन हम लोगों को पता रहता है लगभग 150 डिग्री है और दूसरी आंख का विजन भी 150 डिग्री होता है। अब इसकी वजह से जब भी हम किसी चीज़ को एक आंख बंद करके देखते हैं, ओके, तो हम पूरा 180 डिग्री तक का विजन नहीं देख पाते। हम वो सारी चीज़ें देख पाते हैं कि जो इस जो बीच में जो चीज़ है उस चीज़ से टकरा कर जो लाइट रे वापस आती है, हम उसके पीछे वाली चीज़ नहीं देख पाते। ओके, जबकि बाकी सारी चीज़ें देख पाती है। ओके, और जब हम दोनों आंखें खुली रखते हैं, सिमिलरली इस आँख से भी वैसे होने वाला है, लेकिन जब हम दोनों आंखें खुली रखते हैं तो हमें क्या होता है कि ये हम इस पेन को तो देख सकते हैं थोड़ा दूर रख के, लेकिन वो पेन के पीछे वाला जो भी ऑब्जेक्ट है उसे भी हम क्लियरली देख सकते हैं। क्यों? क्योंकि जो ऑब्जेक्ट की साइड इस आंख से नहीं दिखने वाली वो इस आंख के एंगल से दिख जाती है। ओके, और जो इस आंख से नहीं दिखने वाली वो इस आंख के एंगल से दिख जाती है। इसका मतलब हम इस ऑब्जेक्ट को तो देख सकते हैं लेकिन उसके पीछे वाली चीज को भी क्लियरली देख सकते हैं दोनों आंखों के हेल्प से। ओके, छोड़ो ये तो हमारी बात नहीं। अब हमारा टॉपिक चल रहा था पैरेलेक्स का, तो पैरेलेक्स हमने देखा। तो अब हम लोग सपोज एक एग्जाम्पल लेते हैं, एग्जाम्पल थ्रू पैरेलेक्स मेथड को समझेंगे। सपोज क्या है, ओके, सपोज ये अर्थ है और ये गोला अर्थ है और अर्थ के ऊपर राम का घर है। ओके, और राम के घर से एक दूर हुआ प्लैनेट एक तो सन दिख रहा है। ओके, थोड़ी दूर क्या दिख रहा है? सन दिख रहा है। अब क्या है, ये जो अर्थ है, अर्थ के ऊपर श्याम का भी घर है। ओके, श्याम का भी घर है और यहाँ के ऊपर जो है अपने पंकज का भी घर है। तो पंकज के घर से भी सन दिख रहा है और कमाल की बात यह है कि जो राम के घर से सन का डिस्टेंस है, ओके, उतना ही डिस्टेंस पंकज के घर से भी है। ओके, सपोज कर लेना कि ये दोनों क्या है, स्ट्रेट लाइन है। ओके, तो क्या राम और पंकज दोनों के घर में का डिस्टेंस हम मेजर कर सकते हैं इजीली? ये विद द हेल्प ऑफ डायरेक्ट मेथड हम मेजर कर सकते हैं। और हमने मान लिया कि ये स्मॉल डी है डिस्टेंस, इन दोनों के घर के का डिस्टेंस क्या है, स्मॉल डी है। और ये तो आर से एस तक का डिस्टेंस इसके घर से बड़ा डिस्टेंस है डी, और पी से यस तक का भी डिस्टेंस क्या है डी। एज यू नो दैट अर्थ इज रिवॉल्विंग अराउंड द सन इन अ सर्कुलर ऑर्बिट। ओके, सो क्या हम बोलेंगे कि इफ अर्थ इज रिवॉल्विंग अराउंड द सन इन सर्कुलर ऑर्बिट, सो एस बी द सेंटर ऑफ दैट सर्कुलर पाथ। ये जो पाथ बनाई हमने, ओके, डॉटेड लाइन से, तो ये पाथ का सन क्या है, एक सेंटर है।
और ये पॉइंट क्या लग रहे हैं, आर्क दिखा रहे हैं, ये पॉइंट जो आरपी पॉइंट क्या कर रहे हैं, आर्क कंसिडर कर रहे हैं, और जो डी डिस्टेंस है क्या हम कहेंगे ये रेडियस है, ये सर्कुलर पाथ की रेडियस हो जाएंगी वो। ओके तो वी नो दैट बाय आर्क एंगल फॉर्मूला यहाँ तक का सन तक का डिस्टेंस हम किस तरह से मेजर करेंगे। ओके आर्क एंगल फॉर्मूला क्या कहता है, एंगल इक्वल्स टू आर्क अपॉन रेडियस। ओके तो एंगल कितना है, सब वो जी एंगल हम मेजर कर लेंगे, ये एंगल है थीटा। ओके विद द हेल्प ऑफ माइक्रोस्कोप यू कैन मेजर दिस एंगल। ओके अब ये जो हमने एंगल मेजर कर लिया उसको बोल दिया हमने थीटा। अब आर्क क्या हुई, आर्क फ्री डिस्टेंस डी, और रेडियस क्या हो गई, कैपिटल डी। अब अगर हमें कैपिटल डी निकालना है तो कैपिटल डी बराबर क्या आएगा, डी इंटू थीटा, डी अपॉन थीटा। ओके ये क्या आएगा, स्मॉल डी अपॉन थीटा। तो इस मेथड को कहते हैं पैरेलेक्स मेथड। ओके और इस तरह से हम इजीली डिस्टेंस मेजर कर सकते हैं कोई भी प्लैनेट या स्टार का जो कि पास में है। ओके अब इस मेथड को, या ये आपने अगर इतनी भी डायग्राम बना ली, सपोज यहाँ पर आर पॉइंट दे दिया, पी पॉइंट, यहाँ पर एस पॉइंट, दोनों में का डिस्टेंस क्या है, डी है, और ये जो स्मॉल डिस्टेंस है ये डी है, और ये जो एंगल है इसको हम बोले लेंगे पैरालेक्स एंगल, या तो इस एंगल को बोल दो पैरालेक्टिक एंगल, या तो इस एंगल को क्या बोलना है, पैरालेक्टिक एंगल। समझ में आ गया किस तरह से होती है पैरालेक्स मेथड का इस्तेमाल होता है किसी भी दूर के स्टार या प्लैनेट से हमारे अर्थ का डिस्टेंस कैलकुलेट करना। अब एक्चुअली जब भी आप इसके बारे में डिटेल में स्टडी करते हो तो पैरालेक्स मेथड ये जो है, ओके जो फार अवे डिस्टेंस के स्टार का डिस्टेंस कैलकुलेट करने के लिए, प्लैनेट का या स्टार का डिस्टेंस कैलकुलेट करने के लिए आती है। ओके उसी तरह से अगर हमें वेरी वेरी फार अवे डिस्टेंस, वेरी वेरी फार अवे एक स्टार या प्लैनेट है और वहाँ तक का डिस्टेंस ट्रैवल करना है, ये किस तरह से कैलकुलेट करेंगे ये भी हम देख लेते एक बार में। ओके तो सपोज अगर कोई ऑब्जेक्ट है, ओके हम सपोज हमारे पास है ये प्लैनेट जो कि अर्थ है, ये बहुत छोटा दिख रहा है ये। ओके अब ये है पॉइंट अर्थ, पॉइंट अर्थ से बहुत बहुत फार अवे हमें एक प्लैनेट मिला। ओके ये जो प्लैनेट है ये है पी, यहाँ तक का हमें डिस्टेंस मेजर करना है। ओके ये हमें डिस्टेंस क्या करना है, मेजर करना, हम लोगों को पता नहीं है। ओके इसको ये डिस्टेंस को हम कैपिटल डी मान। सपोज एज यू नो दैट अर्थ इज रिवॉल्विंग अराउंड द सन, सपोज यहाँ पर अगर सन है, ओके तो क्या मैं कहूँ अर्थ सन के अराउंड रिवॉल्व हो रही है। ओके ये प्लैनेट से दूर एक स्टार है जो कि यहाँ पर है। ओके ये प्लैनेट से दूर एक स्टार है जो कि यहाँ पर है, हमें पता नहीं है उसका डिस्टेंस, हमें पता नहीं है, लेकिन हम पैरेलेक्स से, ओके देखो अगर कोई चीज़ बहुत दूर की है, ओके इवन हम सन की बात देखो या किसी भी चीज़ की बात देखो, ओके बहुत लोग क्या देखते हैं, जैसे आपने देखा होगा रात में आपको चांद दिखता है। ओके और रात में आप चांद को देखो और थोड़ी देर तक आगे चल के फिर से उसको देखो, क्या उसकी पोजिशन आपको बदली हुई नज़र आती है, ऑब्वियसली नहीं, हमें ऐसा लगता है कि वो चांद हमारे साथ साथ में आगे बढ़ रहा है। ओके आराम दिखाता है, देखो मैं चांद को देख रहा हूँ, मेरे साथ में आगे आगे चल रहा है, मैं आगे चल रहा हूँ तो चांद भी आगे आगे चल रहा है, तो ये बहुत दूर होने की वजह से ऐसा लगता है। ओके तो यहाँ पर क्या आने वाला है, देखो कि अगर सपोज एक इतनी दूर का डिस्टेंस में जो पैरेलल्स है, जो एंगल है वो बहुत ही छोटा छोटा रहेगा बहुत दूर चीज़ के लिए। ओके तो हमने अज्यूम कर लिया कि कोई भी यहाँ पर एक स्टार है जिसका नाम है एक्स मान लेते हैं। ओके अब यहाँ पे अगर पहले से निकालेंगे जो सेम दूरी पर है अर्थ, अगर यहाँ से इतना और यहाँ पर अगर अर्थ पहुँचती है यहाँ से इतना, ओके तो देखो अगर मैंने सपोज यहाँ पर एक एंगल बना लिया, यह एंगल अगर अल्फा है तो यह एंगल भी लगभग अल्फा ही बन जाएगा। ओके तो यह एंगल कितना बन जाएगा, यहाँ पर का एंगल, देखो क्या मैं कहूँ कि ये अगर मैं इस तरह से एक डॉटेड लाइन बना दूं और एक एंगल अज्यूम कर लूं तो ये अल्फा है तो ये भी अल्फा बनेगा। ओके और ये अल्फा है तो ये भी अल्फा बनेगा क्योंकि सेम है, तो ये वाला जो एंगल रहेगा ये 2α रहेगा, क्या मान लेते हैं ये एंगल क्या रहेगा, 2α रहेगा। ओके 2α रहेगा, ओके सो 2α को हम मान लेते हैं पैरेलेक्स एंगल, यहाँ पर पैरेलेक्स एंगल क्या है,
टू अल्फा है, क्या है पैरेलेक्स एंगल टू अल्फा। ओके अब देखो ध्यान रखना यहां पर क्या आएगा, एंगल इक्वल्स टू आर्क अपॉन रेडियस। एंगल क्या होता है, एंगल इक्वल्स टू आर्क अपॉन रेडियस, क्या हम बोल दे। अब ये जो डिस्टेंस है ये भी लगभग इतना ही डिस्टेंस है क्योंकि बहुत दूर की बात है, ये एंगल बहुत छोटा होने की वजह से, अगर ये एंगल को बहुत छोटा दो, अज्यूम करो ये एंगल बहुत छोटा है, तो जो है ये जो लेंथ है और ये लगभग सिमिलर रहेंगे, लगभग ओके एग्जैक्ट नहीं बोल रहे हम, अप्रोक्सीमेटली ओके। तो एंगल क्या रहेगा, एंगल मतलब रहेगा टू अल्फा इक्वल्स टू आर, क्या है आर यहां तक का डिस्टेंस देख लो आप ओके वो क्या रहेगा सपोज बी और अपॉन डिस्टेंस क्या रहेगा उसका डी ओके। अब ये जो है ये जो हमने ओके डिस्टेंस दी है ओके और ये टू अल्फा को हमने क्या बोल दिया थीटा बोल दिया, पैरेलेक्स एंगल ओके बी बाय डी। अब ये जो डिस्टेंस है बी ओके ई के दो पोजीशन में का, क्या हम बोल सकते हैं ये जो बी डिस्टेंस है ये अर्थ के जो अर्थ जिस क्षेत्र में रिवॉल्व हो रही है सन के अराउंड ये उसका लगभग डायमेट्रिकल पार्ट है। तो क्या हम बोल सकते हैं कि ये टू एस्ट्रोनॉमियल यूनिट है, अगर मुझे डी निकालना है तो डी बराबर क्या आएगा बी अपॉन थीटा, और बी मतलब क्या है टू एस्ट्रोनॉमियल यूनिट अपॉन थीटा जो कि पैरेलेक्स एंगल ओके जिसकी वैल्यू लगभग टू अल्फा के बराबर थी। समझ में आया, तो इस तरह से पैरेलेक्स मेथड यहाँ पे हम निकाल सकते हैं। लेकिन ये वाला हमारे सिलेबस में मतलब देखो इसके ऊपर ज़्यादा प्रॉब्लम्स नहीं आते, या तो इसको आप ये वाले पार्ट को जो हमने बाद में पढ़ा उसको आप निकलेक्ट कर सकते हो ओके। यहाँ तक बहुत ईजी था और यही इसका आंसर था, समझ में आ गया। अगर आपको कुछ भी दिक्कत हो तो आप मुझे 8390232208 पर कॉल या मैसेज कर सकते हैं ओके। थैंक यू।